The Shiv Sena MP Sanjay Routh has written to the Rajya Sabha chairperson Venkaya Naidu alleging that the enforcement directorate has been harassing him and his family after he refused to help in toppling the Maharashtra government. Very strong allegations indeed. He said that the enforcement directorate and other investigating agency officials are now reduced to puppets of their political masters. Joining us now, Mr. Raut. sir. Thanks very much for speaking uh, to us. My first question is this. Now, you've written about a month back, you were approached by certain people and you were told to assist them in toppling the state government in Maharashtra. Have you collected evidence of this, sir? Definitely. <laughs> <laughs> we have, we have. No And you and you have, course course. you have you to court, abroad. you to जब से नहीं नहीं क्या नहीं कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है देखिए ये पूरा पोलिटिकल मसला है पूरा पोलिटिकल मसला है और दो साल से जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार है तब से ये सरकार गिराने की कोशिश टॉपल करने की कोशिश प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोशिश विधायक तोड़ने की कोशिश चल रही है लेकिन यह कंप्लीटली फेल होने के बाद हमारे जैसे प्रमुख लोगों को धमकाना डराना सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के माध्यम से हमको आ, ग्रिल करना हम ही नहीं पावर फैमिली को भी हो रहा है हमको हो रहा है ठाकरे परिवार के पीछे लोग लगा के रखे हैं, लेकिन हम देखे हमने आज वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन राज्यसभा को जो लेटर लिखा है वो सिर्फ हमने उनको सूचित किया है कि ये हो रहा है हमारे बारे में आई मेंबर ऑफ राज्यसभा यू आर माई गार्डियन यू आर कस्टोडियन ऑफ द राज्यसभा मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि ये हमारे बारे में हो रहा है कि हम कुछ बातें बोलते हैं कुछ बातें लिखते हैं और हमारा आवाज दबाने की कोशिश है जी प्रधान तो संजय जी ये बताए कल ये। ही राज्यसभा में इमरजेंसी हाँ जी संजय जी आपने ये भी लिखा है उस हाँ उसी पत्र में और आपने कहा भी है कि प्रोब एजेंसी इंटिमिडेटिंग एंड थ्रेटनिंग द डेकोरेटर्स एंड अदर वेंडर्स ऑफ द वेडिंग इवेंट ऑफर लास्ट ईयर टू एक्सट्रैक्ट अटेटमेंट दैट दे रिसीव फोर्टी लैक्स मतलब नहीं। आपको नहीं। कहना है कि अगर ये लोग अगर किसी भी पार्टी एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि आपसे कैश में कोई पैसा लिया है अगर वो नहीं कहते उनको धमकी दिया जा रहा है आपका नहीं। आरोप यही है हाने सिर्फ ये नहीं और भी वेंडर्स है 20 साल पहले माय माय बर्थ प्लेस इज अलीबाग इन कोकन समझो वहां हमारी ज़मीनें है कुछ छोटी एक एकड़ के आसपास 20 साल 15 साल पहले खरीदी हुई जमीन उस वक्त जिससे खरीदी उसको उठाकर लेके आए ये ईडी का काम है क्या दो चार लाख पांच लाख दस लाख विजय मल्या नीरव मोदी को भगा दिया हाँ बड़े बड़े उद्योगपति गफला कर बैठे यहां फ्रॉड किया है और ये बेचारे किसानों को उठाकर लेके आते हैं हमारे गांव से ये ईडी का काम नहीं है ये तो, तो टॉर्चर तो के, के लोगों लाके उनसे आप... कहा जाता है कि आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे आप यही कह रहे क्या हाँ स्टेटमेंट दीजिए संजय राउत के खिलाफ स्टेटमेंट दीजिए ऐसा बोलकर अभी उसमें से चार लोग ईडी ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर आई लॉन्च कर रहे हैं आप एक चीज बताइए आप के और सवाल है मेरे पास मैं आपसे पूछूंगा पर आ, बीजेपी के कई नेता फॉर एग्जाम्पल किरितोमा ने आपके खिलाफ काफी स्टेटमेंट्स दिए हैं नेता ब्लैक वर एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट यू क्लीन नहीं आप है तो इस पे आपका क्या सवाल आपका क्या जवाब है ये कौन आदमी है हमारे ऊपर हमको सर्टिफाइड करने वाला ये द ब्लैकमेलर सबको मालूम है वो ब्लैकमेल करता है सबको उसके पार्टी में सबको बस ये एक लिंक है ईडी एंड ये ब्लैकमेलर्स ये क्रिमिनल सिंडिकेट है ये क्रिमिनल सिंडिकेट बना हुआ है मैं आपको बताना है मैं एक्सपोज कर दूंगा ये नहीं आप ये जो कह रहे हो पब्लिक लाइफ में गई है आप ये करेंगे ना देखिए ना आप क्या होता है तो मतलब आप, आप, आप कि कुछ कर नहीं करूंगा जब मुझे चाहिए मैं करूंगा ओके okay. ओके okay. आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं फिर मैं करूंगा देखिए मेरी पार्टी है मेरे पार्टी चीफ है शरद पवार साहब है हम सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन अब जो होगा वो आखिरी आखिरी घाव होगा ओके okay. और कोई टाइमिंग नहीं है जब आप बताएंगे आपको टारगेट कैसे किया जा रहा है कौन कर रहा है एविडेंस के साथ ये आपने अभी तक तय नहीं किया कि कब करेंगे मैं तय करूंगा ना मैंने एक दो दिन में मैं तय करूंगा मैं दिल्ली में हूं दिल्ली से मैं गोवा जा रहा हूं हम चुनाव में बिजी है मैं घर में नहीं जा पा रहा हूं और वहां हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है हा? ये मर्दांगी नहीं है ये बेईमानी है देश के साथ ठीक है संजय जी ये बताइए आपने ये भी कहा कि आई वॉज इवन टोल्ड दैट माई फेट कुड बी लाइक दैट ऑफ अ अफॉर्मर यूनियन रेलवे मिनिस्टर इयर्स बिहाइंड yes, 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 हो रहा है, Toh, है। हो, हो रहा है तो क्या कहा था आपको कि जेल लेके जाएंगे मेरे बारे में नहीं जाने तो जेल उसमें क्या है हम क्या डरते हैं क्या हमने अरे हमारी पूरी जिंदगी लोगों के सामने है मैं पत्रकार हूं मैं 30 साल पच्चीस साल से एडिटर हूं एक बड़े अखबार का मुझे मालूम है क्या है सार्वजनिक जीवन ये क्या हमको सिखाएंगे करप लोग हैं देश में आए हैं राजनीति करते हैं और हमको बोल रहे हैं तो एक चीज बताइए ये एकड़ का जो जमीन है आपके पास आलीबाग में ये शायद 16-17 साल पहले आप लोगों ने खरीदा था तो आपके अलावा आपके बाकी फैमिली मेंबर वो भी थ्रेटन किया जा रहा है आप कह रहे कि आ? आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को भी थ्रेटन किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है और किस हिसाब से किया जा रहा है देखो विष्णु जी एक एकड़ जमीन ये कोई इन्वेस्टिगेशन का मसला हो सकता है क्या ईडी का सत्रह जो राज्यसभा के तीन ही एफिडेविट में पब्लिक डोमेन में आया है लेकिन लोग उठा उठाकर उनसे लिखा जा रहा है कि मुझे एक लाख दिया मुझे दो लाख दिया मुझे तीन लाख दिया यह ईडी का काम है क्या ईडी का काम है पांच सौ करोड़ का गफला ढूंढो एक हजार करोड़ का गफला ढूंढो ये नारकोटिक्स का पैसा कहां से कहां जाता है वो ढूंढो स्मगलिंग का पैसा कहां जाता है वो ढूंढो मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढो ओके okay. तो मिस यूज ऑफ पावर है तो so, संजय जी वन फाइनल क्वेश्चन टू यू आपने कहा ट्वेंटी एट पीपल हैव बीन कनेक्शन अप हु आर योर डील गरीब, or, लोग, or, है। or dealings, ये, गरीब लोग है ये इनो ये नहीं 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 ये इनोसेंट और गरीब लोग हैं ये बेचारे काम धंधा करने वाले मजदूर लोग हैं है हा? आप ईडी के लोग उनको धमका तो हो लाकर दादागिरी करते हो दादागिरी कर okay. okay. किसके लिए आपके बॉसेस कौन है किसके लिए आप कर रहे हो हमारी सरकार गिराने के लिए जब हमने कहा कि ये सरकार नहीं गिरेगी तब ये शुरू हो गया ओके hmm. okay. और आप तो सरकार और पच्चीस साल रहेगी हमारी ओके okay. So, Sanjay Ji, uh, very strong statements. Basically, it is now uh, uh, wait and see. I, I think that is the summary of, of, of what I see as, as, as this conversation with you. You are essentially saying wait and see, you have the evidence, and when the time is right, you will come out with that. Thank you so much for speaking to us. Oh, yeah, let, definitely. Let us see Thank what you. finally happens uh, in all of this. Thank you very much indeed.